गुजरात एल्कलीज देख लीजिए सर। देखिए चार्ट पे तो एकदम फ्लैट है, और अगर मैं ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री की बात करूं तो केमिकल इंडस्ट्री यहां से अच्छा करने वाला है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गुजरात एल्कलीज आपके पास अगर ऑलरेडी है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि कंपनी थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पे अभी चल रही है आफ्टर द रिसेंट रन अप, ये एक पहली चीज हुई। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको कोई भी डिप मिले तो ऑन डिप्स ये बाई रहेगा करीबन 700-800 से लेके 770 तक, अगर आपको उस रेंज में मिलती है तो ये एक अच्छा बाई भी रह सकता है। ओवरऑल केमिकल स्ट्रेच हो गई है, क्योंकि जब ये चाइना इश्यू वगैरह हुआ था तो सारी की सारी केमिकल कंपनीज ने अच्छा रैली दिया, लेकिन अब वो थोड़ा थम गया है, वो रैली थम गया है, तो इमीडिएटली ये बहुत स्पीड से जाने वाली नहीं है, लेकिन फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और लो डेट कंपनी है, और मुझे तो लो डेट कंपनीज बहुत पसंद आती है जनरली। तो होल्ड कीजिए अगर किसी के पास है, और किसी को फ्रेश लेना है तो हो सकता है कि 800-770 के बीच में मिले तो उस वक्त आप लो। लॉन्गर टर्म में कंपनी अच्छी करने वाली है, ठीक है, लॉन्गर टर्म में अच्छी करने वाली है। फिलहाल क्या राय वो बता दिए सर।